हम तीनों के घरों में सब यही कमाते हैं, तो यहाँ में हम दोनों गरीब फाद और मुझे हम बेरोजगार हैं, यहाँ में पालता है 11 महीने। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। नहीं चल रहा क्या? चल रहा है अभी तो चल रहा है। हाँ तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान जीत गया और आप सबको मुबारक हो। 400 स्कोर खाने के बाद भी पाकिस्तान जीत गया, वो भी 21 रन से, तो बहुत मज़ा आया। और हाँ, आज फखर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो मतलब 11 छक्के एक ही इनिंग में, बहुत ज़्यादा छक्के लगाए उसमें। और इमामुल हक का तो ये ड्रीम था कि वो तो कहता रहा कि भाई हमें प्रोटीन्स नहीं मिलते रहे, हम सिर्फ कार्ब्स खाते रहे, तब हम छक्के नहीं लगाए। लेकिन फखर जमान ने तो भाई 11 छक्के लगा लिए एक इनिंग में। और आप सब कहेंगे कि फखर जमान की वजह से सिर्फ जीते हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी फखर जमान के साथ, उस वजह से हम मैच जीते हैं। क्योंकि एक एंड पे फखर जमान स्कोर कर रहा था, दूसरे एंड पे बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, और जहाँ लूज बॉल मिल रही थी वहाँ वो बाउंड्री मार रहा था। तो ये दोनों एंड से हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाएगा फखर जमान को, नो डाउट। क्योंकि 100% में से 70% फखर जमान को जाएगा और 30% बाबर आजम को जाएगा, क्योंकि बाबर आजम ने स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छा किया, बाउंड्रीज लगाई, लेकिन फखर जमान ने जो इनिंग खेली है ना, मतलब इनक्रेडिबल यार, बहुत बहुत अच्छी खेली है, और वन ऑफ द बेस्ट फखर जमान की इनिंग्स थी आज वाला मैच। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों से मिलने और चाय है पीने, और हाँ सोहेल आया हुआ है साथ का पास है, तो अभी हम जाएंगे बाहर, फाद आने वाला है तो वो मुझे पिक करेगा, और फिर हम जाएंगे चाय चाय पियेंगे, पबजी खेलेंगे और गप्पे लगाएंगे। तो फिर वापस आके इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अपकमिंग मैचेस में क्या सूरत हाल होंगे, और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, तो फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है। हाँ तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि आज हम रॉयल पिज़्ज़ा वाली साइड आए हैं, और हमें आज सोहेल भाई ट्रीट दे रहे हैं, वो जो हमेशा हर पहली को देते हैं, ये हमारे ग्रुप में फिलहाल हम तीनों के ग्रुप में सब यही कमाते हैं, तो ये हम दोनों गरीब फाद और मुझे हम बेरोजगार हैं, ये हमें पालता है 11 महीने। ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त हैं तो दोस्त के लिए कुछ भी है करना है। तो आज ये सोहेल आया है, मैंने आपको जैसे बताया कि साथ का बस है, और ये हमें आज पिज़्ज़ा खिला रहे, तो बस अभी वो खाएंगे और फिर इसके बाद चाय पीने जाएंगे अवामी होटल पे, और उससे पहले यहाँ पर हम पबजी खेलेंगे एक दो घंटे। तो वो जो अभी स्टार्ट भी कर लिए फाद ने, तो फिर बाद में मिलते हैं। तो भाई पिज़्ज़ा आ गए, और एक आ गया, एक दूसरा भी आ रहा है, तो दो लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाए थे हमने, तो दोनों आ गए और अभी खाते हैं। और आप सोच रहे होंगे तीन बंदे दो लार्ज पिज़्ज़ा, तो आ जाते हैं इसके, देखते हैं कितना खाते हैं। हाँ भाई, नहीं चल रहा क्या? चल रहा है अभी तो चल रहा है। तो एक्चुअली बात ये है कि पिज़्ज़ा पूरा नहीं कर पाए थे, 5 से 6 स्लाइसेस रह गए थे, क्योंकि खाना वाना खाया हुआ था। और अभी हम बस जा रहे हैं वापस होटल पे, चाय से पियेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर डील चल रही थी 1700 में 2 लार्ज पिज़्ज़ा, तो वो मंगवाए थे हमने, मज़ा आया था, टेस्ट भी अच्छा था, इतना कोई खास बुरा नहीं था, अच्छा नॉर्मल टेस्ट था, तो मतलब पैसे वसूल तो थे, तो बस ये बात थी। अभी हम जा रहे हैं वापस होटल पर, सोहेल वाले बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार करने और मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं करना। नूब प्रो नूब। हाँ तो ये बात कुछ ऐसी कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, और उसके बाद पिज़्ज़ा वाला खाया था, चाय से पी ली, गेम वेम के लिए। अब कुछ बातें जो आपको मैंने बोला था करनी है आपसे पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड,
तो सबसे पहले तो मुझे ये बात करनी है कि पाकिस्तान जो आज मैच जीता है उससे क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांसेस बनते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे जीतने के बाद जो हमारा नेट रन रेट है वो इतना कोई खास बड़ा नहीं था, क्योंकि हमने अगर न्यूजीलैंड को नेट रन रेट में बीट करना था तो हमें 85 रन से जीतना था या 35 के ओवर्स के अंदर अंदर हमने स्कोर चेस करना था, लेकिन वो दोनों नहीं हो पाए थे क्योंकि स्कोर एक तो 400 लग गया था तो वो 35 ओवर्स में कंप्लीट करना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो हमें इतना स्कोर खाने के बाद हमारे लिए सिर्फ जीतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने जो आज फ्लैट पिच पे 400 स्कोर खाए वो बहुत ज़्यादा खा लिए। हमारा ना शाइन आज विकेट ले सका, ना हारिस, हारिस तो बहुत स्कोर खा रहा है यार, पूरे टूर्नामेंट में उसने 369 रन दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा रन होते हैं। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा एक फास्ट बॉलर को जो छक्के लगे हैं ना वो हारिस रऊफ को लगे हैं, 14 सिक्सेस लगे हैं पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 8 मैचेस में, तो सबसे ज्यादा हारिस रऊफ को लगे। पता नहीं क्यों वो अपनी बॉलिंग इतनी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, हारिस रऊफ इतनी अच्छी बॉलिंग होती थी उसको, पता नहीं क्या हो गया, क्लब लेवल की बॉलिंग करवा रहे हैं वो अब। और शाहीन, हमारा शाहीन, असल में मसला ये कि मैंने नोटिस किया, भैया मैं अपने व्याप से बात कर रहा हूँ कि शाहीन जब पहले ओवर में विकेट लेता है या शाहीन का जब पहले ओवर में उसे स्विंग मिलती है तब उसके बाकी ओवर जो होते हैं ना वो अच्छे जाते हैं, लेकिन अगर शाहीन का पहला ओवर अच्छा ना निकले और उसमें उसे इतनी स्विंग ना मिले और उसकी लाइन और लेंथ वो ना पड़े तो उसके बाकी 9-10 ओवर होते हैं ना वो उस पहले ओवर से रिलेटेड होते हैं। अगर वो पहला ओवर अगर उसका अच्छा हो गया ना तो बाकी के ओवर भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर पहला ओवर ही उसका खराब हो गया तो बाकी के ओवर बिल्कुल बुरे हो जाते हैं। तो पता नहीं क्या ये शाहीन को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई कि अगर पहला ओवर सही नहीं हो रहा तो बाद में वेरिएशंस के हिसाब से बाउंस यॉर्कर, हमारे बॉलर्स तो यॉर्कर करना ही भूल गए, कोई दौर होता था कि हमारे फास्ट बॉलर्स यॉर्कर से पहचाने जाते थे, शोएब अख्तर वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स करता था, उमर गुल, बकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान, मतलब बहुत जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे वो यॉर्कर बहुत अच्छे से स्पेशलिस्ट थे यॉर्कर्स में। पता नहीं क्या हो गया हमारे इस जनरेशन के फास्ट बॉलर्स को यॉर्कर ही नहीं कर पा रहे। जमान खान करवाता था क्योंकि उसने पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में मैच हुआ था उसमें उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी डेप्थ ओवर में, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स को पता नहीं क्या हो गया है, ना हमारे बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवा रहे हैं, ना हमारे बॉलर्स यॉर्कर करवा रहे हैं, गुड लेंथ भी नहीं हो रहा, ना उनसे अच्छे बाउंसर हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे बॉलर्स को। और खैर वो अब देखना पड़ेगा हमारे चीफ सेलेक्टर को के और हमारे जो बॉलिंग कोच उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है और हमारे फास्ट बॉलर्स इतनी बुरी बॉलिंग क्यों करवा रहे हैं। और हमारा जो बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉर्कल उसे भी थोड़ा सिखाना चाहिए, क्योंकि वो अपने दौर का एक बेहतरीन बॉलर हुआ करता था, उसके पास तमाम वेरिएशन थी और काफ़ी बैट्समैन उससे डरते थे एज अ फेस करने में, तो जिस तरह वो अपने दौर का अच्छा बॉलर था हमारे बॉलर्स को उसने सिखाया नहीं है वैसा, ना हमारे फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवा रहे हैं, ना उनसे यॉर्कर्स हो रहे हैं। हमारे स्पिनर्स की तो खैर बात ही अलग है, वो हमारे स्पिनर्स जो है ना वो लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग स्पिन ऑफ स्पिन नहीं है, हमारे स्पिनर्स हैं लेफ्ट आर्म स्ट्रेट या लेफ्ट आर्म फुल टॉस बॉलर्स, हमारे स्पिनर्स से भाई स्पिन नहीं हो रही इस बार। हालांकि इंडिया की जो पिचेज होती हैं वो स्पिन के लिए से बेस्ट पिचेज होती हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स को पता नहीं क्या हो गया है, या तो वो जानबूझ कर करें या अगर जानबूझ कर नहीं करें तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जहाँ पर जो हमारे करंट क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टीम्स हैं उनके स्पिनर्स डेढ़ फुट स्पिन बॉल कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स से तो बॉल सीधा भी मुश्किलों से जा रहा है, मतलब फुल टॉस जो आ रहा है हर ओवर में एक सारा ओवर अच्छा करेंगे एक आखिरी बॉल ऐसी देंगे ना जिसमें वो सारे ओवर का जो बेड़ा गड़क हो जाता है ना वो कर लेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आप अब कह रहे होंगे कि जो आज हमारा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसमें जो हमारे फखर जमान ने बहुत अच्छी इनिंग की है तो उसमें बाबर आजम का आप समझ लेंगे कोई रोल नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि जो DLS रूल होता है जिस हिसाब से आपको इनिंग डिक्लेयर वगैरह करते हैं बारिश जब हो जाती है या ऐसा कोई इशू हो जाता है तो आपके जब विकेट्स ज़्यादा गिरते हैं तो आपके स्कोर पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और अगर बिलफर्ज अगर आप फर्ज कर लें बाबर आजम जहाँ पर खेल रहा है वहाँ पर वो फखर जमान को स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल डबल लेके वो गेम आगे तक लेके जा रहे हैं, अगर बाबर आउट हो जाता है तो आएगा रिजवान, अब रिजवान का क्या है वो आएगा दो तीन चौके लगाएगा सिंगल डबल लेगा फिर वो भी ऊपर शॉट उठाएगा आउट हो जाएगा, फिर मतलब विकेट्स हमारे गिरते जाएंगे। ये कोई बंदा सोचता ही नहीं है कि भाई हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है बाबर आजम के अलावा जो हमारी विकेट संभाल सके, जैसे पहले मिसबाह उलहक संभालता था और मतलब बाकी एंड पे आउट हो जाते थे लेकिन मिसबाह फिर भी संभालता था,
और इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है बाबर आजम के अलावा जो हमारी विकेट संभाल ले और स्ट्राइक रोटेट करे और इनिंग्स को देर तक लेके जाए। तो अगर यहाँ पर बाबर आजम आउट हो जाए तो हमारे, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि हमारी बैटिंग लाइन की लाइन लग जाती है, हमारी बैटिंग की लाइन लग जाती है आउट होते होते। वो जैसे कहते हैं ना कि भाई तू चल में आया, वो सीन हो जाता है हमारे पास। तो इस वजह से बाबर आजम को एक एंड संभालना लाजमी था और दूसरी एंड से फखर जमान को स्कोर कर रहा था। तो जिस तरह फखर जमान को वो स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल डबल लेके फखर जमान को स्ट्राइक पे दे रहा था, तो उस हिसाब से बिल्कुल बाबर आजम ने एकदम परफेक्ट गेम खेली है मेरे लिहाज से। क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मुझे अर्सा हुआ है क्रिकेट देखते हुए, तो मैंने यही देखा कि भाई अगर आप क्रीज पे खड़े होते हैं ना तो आप वैसे ही मैच जीत जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म और आपकी पार्टनरशिप अगर अच्छी चलती है और आप विकेट संभालते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल डबल की गेम करते हैं, तो आपकी जो मैच जीतने के चांसेस जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि भाई बाबर आजम पोलार्ड की तरह सिक्स मारने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता, या रोहित शर्मा की तरह, या कितने भी पावरफुल हिटर्स हैं उस तरह बाबर आजम छक्के नहीं मार सकता। लेकिन ये है कि बाबर आजम आपकी क्रीज पे खड़ा होता है, वो आपकी स्ट्राइक रोटेट करता है, वो आपकी गेम आखिर तक लेके जाता है। बस मसला ये है उसको कोई पार्टनरशिप देने वाला बंदा नहीं होता। आज फखर जमान ने उसको पार्टनरशिप दी और फखर जमान एक एंड से स्कोर करता जा रहा था, बाबर आजम उसे खिलाता जा रहा था। तो यही होता है जिसकी वजह से हमारी टीम्स जीती हैं। आप कोई भी मैच देख लें, विराट कोहली जो आप कहते हैं कि भाई 2000 पिछले साल जो उसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने स्कोर चेज किया था वो कैसे किया था, वो ऐसे ही कहते भाई वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, हार्दिक पांड्या ने स्टार्ट की थी हिटिंग करने की तो वो विराट कोहली से खिला रहा था। जब हार्दिक पांड्या से लग रहे थे उसके बाद विराट कोहली भी इतना क्रीज पे जम गया था और उसको बॉल इतनी क्लियरली नजर आने लगी थी कि उसने सिक्स मारने शुरू कर दिए। तो यही सबसे बेस्ट होता है कि भाई आप पहले जितना देर हो सके आप क्रीज पे रहें, आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल डबल की गेम खेले, उसके बाद फिर जब आपको लूज बॉल बॉलर आपको देता ही देता है। अगर आप बिलफर्स 6 बॉल्स पे, अगर आप 4 बॉल्स पे सिंगल लेते हैं और 2 बॉल ऐसे लूज आ जाते हैं जिसमें एक बॉल पे छक्का एक बॉल पे चौका लग जाता है, तो मतलब 2 बाउंड्रीज के साथ आपके 14-15 स्कोर तो हो जाते हैं, तो इसमें रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई बाबर आजम को सपोर्ट करें। बाबर आजम को आप उतना सपोर्ट नहीं करते जितना आप बाकी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। यार बाबर आजम हमारे मुल्क का अपना एक सुपरस्टार है, हमारे मुल्क का एक किंग है, क्योंकि उसने वो पर्ची से नहीं आया। सबको पता है बाबर आजम अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से वो एक कैप्टन बना है और अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से वो हमारी टीम है और हमारी टीम का सबसे बैकबोन जो होता है, हमारी टीम का सबसे जो स्ट्रांग बैकबोन है वो है बाबर आजम। और अगर बाबर आजम ना हो तो आप किसी काम के नहीं है, ये आप माने या ना माने ये सच है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप अपने बाबर आजम को सपोर्ट करें और पाकिस्तान टीम को भी सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि भाई पाकिस्तान जीते। क्योंकि पाकिस्तान को जीतने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो इंग्लैंड से अच्छे मार्जिन से जीतना होगा और दूसरा ये दुआ करनी पड़ेगी कि भाई श्रीलंका न्यूजीलैंड को एनी हाउ शिकस्त दे दे, क्योंकि हमारे नेट रन रेट न्यूजीलैंड से थोड़ा सा पीछे, उनका है 0.36 हमारे 0.03, तो ये कुछ फ़र्क है। तो इस फर्क को ख़त्म करने के लिए हमें एक तो इंग्लैंड से अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मैंने देखा था कि 125 रन से जीतना पड़ेगा, तो 125 रन बहुत ज़्यादा है। तो बस यही उम्मीद रखनी चाहिए कि भाई श्रीलंका एनी हाउ न्यूजीलैंड को हरा दे। जिस करंटली फॉर्म में फखर जमान खेल रहा है तो इंशाल्लाह वो सिंगल हैंडेडली हमें जितवा सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेयर है। हाँ बीच में वो आउट ऑफ फॉर्म था, मैं भी उसके खिलाफ था, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भाई जब तक वो आउट ऑफ फॉर्म है किसी और को चांस दे, मैं भी गलत था। मैं एग्री करता हूँ कि भाई फखर जमान को चांस देना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद हक को जितना हमने चांस दिया उतना फखर जमान को चांस नहीं दिया था। तो अब फखर जमान वापस आए तो उसका कमबैक बहुत अच्छा हुआ है, और बस यही दुआ है कि जिस हिसाब से वो खेलता जा रहा है वो उसी हिसाब से खेले और वो ऐसे ही अपने बैटिंग बरकरार रखे, और इंशाल्लाह हम इंग्लैंड से अच्छे मार्जिन से जीतें ताकि हम डायरेक्टली सेमीफाइनल पहुंच जाएं और हमारा नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाए। बस यही दुआ है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।